हेलो जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको जो है एक ऐसे जैविक फ्लावर प्रमोटर के बारे में बताने वाला हूं जो कि पूरी तरीके से जैविक है। जी हां, मैं आज बात कर रहा हूं ब्लूमर का। ये जो है नेचुरल फ्लावरिंग प्रमोटर है। ये जो है स्पेशली इसको बनाया गया है कि पौधे में जो है फूल खिलने के लिए प्रेरित करे। ब्लूमर जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि स्पेशली ये फूल के लिए बना है। इसका इस्तेमाल जो है आप सभी क्रॉप में कर सकते हैं। मैं आज इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ मेरे सीडलेस लेमन में। सीडलेस लेमन में चूंकि अभी मेरे फ्लावरिंग स्टेज आने वाली है, फ्लावर हालांकि उसमें खिल रहे हैं क्योंकि सीडलेस लेमन में बार बार फूल खिलते रहते हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा फूल अभी चाहता हूँ क्योंकि गर्मी के सीजन में अभी नींबू की डिमांड रहती है, तो मैं उसमें ज़्यादा फूल चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं अभी जो है ब्लूमर का इस्तेमाल करने वाला हूँ मेरे सीडलेस लेमन में। उससे पहले मैं आपको ये ब्लूमर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो ब्लूमर है ये 100% नेचुरल है। इसको आप जैविक खेती वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रासायनिक खेती वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ है वो भी मैं आपको बता दूँ। इसमें जो है हर्बल बायोटेक्निकल एक्सट्रैक 1.5% है, बायोसिमुलेशन 3% और इसेंशियल ऑयल 10% है। मतलब कि पूरी तरीके से नेचुरल है। इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ कि इसकी क्या डोज है, कौन कौन सी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या बेनिफिट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके बेनिफिट की। इसमें जो है 4-5 बेनिफिट जो इसमें दिया गया है उसको मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ। इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो क्रॉप रहती है उसमें फ्लावरिंग जो है बढ़ जाएगी। दूसरा, इन्होंने जो है आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि सीधी बात है फ्लावरिंग ज़्यादा आएगी, फ्रूटिंग ज़्यादा होगी तो आपकी प्रोडक्शन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो है इसे जो है सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। जैसे कि आप, मैं अभी उसमें सीडलेस लेमन में इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देगा। ज़्यादा दिन तक फल जो है ताजे रहते हैं। साथ ही साथ ये जो है जो पोलन होती है, जो परागण क्रिया होती है, उसको ये बढ़ाता है। उसके साथ साथ इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है फ्रूट में चमक लाती है। साथ ही साथ अगर आप बीज वाली क्रॉप के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बीज की क्वालिटी को ये बढ़ाता है। ऑल इन वन में अगर इसको बात करूँ तो ये स्पेशलिस्ट जो है फूल के लिए, फल के लिए, बीज के लिए इसका होता है। तो इसका स्प्रे जो है, आपको बेस्ट रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो इसका स्प्रे आपको जो है बिफोर फ्लावरिंग, मतलब या फिर फ्लावरिंग स्टार्ट होने ही वाली की अवस्था होती है, उस अवस्था में ये ब्लूमर का आपको जो है इस्तेमाल करना है। अब मैं इसकी डोज की बात करता हूँ तो इसकी जो है 50 ml, मात्र 50 ml जो है पर एकड़ का इसका डोज होता है। एक टंकी में आपको सिर्फ 5 ml मिलाना है। 15 लीटर की टंकी में आपको 5 ml इसको जो है मिलाना है। साथ ही साथ इसको जो है लगभग आप सभी जो इंसेक्टिसाइड वगैरह रहते, सभी जो दवा या फिर हमारे जो जैविक जो रस वगैरह होते, ब्रह्मास्त्र वगैरह जो हम लोग बनाते हैं, सारी चीज़ में आप इसको मिला सकते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि इसको जो है आपको हर्बिसाइड के साथ नहीं मिलाना है। खरपतवार नाशी को छोड़ के लगभग आप इसका जो है सभी जो अपना जो दवा रहती है उसमें आप मिला सकते हैं। कौन कौन सी फसल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आल क्रॉप, जितने भी अनाज वर्गीय हो गया, दाल वर्गीय हो गया, तेल वर्गीय हो गया, सब्जी वर्गीय हो गया, सभी क्रॉप में जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज जो है सिंपली मैं आपको बताया कि आपको 50 ml जो है पर एकड़ है, लेकिन अगर आप गन्ने में इस्तेमाल करते हैं तो आपको 100 ml इसका डोज जो है आपको लेना रहेगा। बाकी जितने भी क्रॉप हैं उसमें आपको 50 ml पर एकड़ के हिसाब से ये जो ब्लूमर है इसका आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मन में सवाल आता है कि इसको अब हम लें कहाँ से, खरीदें कहाँ से, तो आप इसको जो है एग्रो स्टार से मंगा सकते हैं। एग्रो स्टार से मैं इसको मंगाया हूँ, सीधा मेरे घर में ये डिलीवर हुआ है। तो फिर चलिए इसको जो है हम लोग हमारी क्रॉप में स्प्रे करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो है मेरा सीडलेस लेमन है, इसमें फ्लावरिंग भी चल रही है, छोटी छोटी भी फ्रूटिंग भी आना चालू हो चुका है। इधर भी जो है फ्रूट भी है, फ्लावर भी है, उधर भी एक है लेमन का। तो ये जो मेरा सीडलेस लेमन है इसमें जो है फ्लावरिंग आ रही है। ये जो आप नए नए कोपले देख रहे हैं इसमें अभी फ्लावरिंग और आने वाली है, तो मुझे कुछ ज़्यादा फ्लावर चाहिए। तो चलिए हम लोग ये जो हमारा नींबू का प्लांट है इसमें जो हम लोग ब्लूमर का स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमको मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो है स्प्रे का काम हो चुका है और इसमें फल भी हैं, फल के भी जो है चमक आएंगे। साथ ही साथ ये जो नए नए कोपले निकल रहे हैं ना, इसमें जो है फ्लावरिंग को भी ये प्रमोट करेगा। तो इस तरीके से आपको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से स्प्रे कर देना है। मेरा ये प्लांट में हो चुका, आगे हम लोग और जितने भी प्लांट हैं सब में जो है स्प्रे करते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना। इससे संबंधित कुछ भी सवाल या सुझाव होते तो प्लीज़ आप नीचे में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो हर बात की तरह लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।